रात में बचाओ। हाँ जी बच्चों, कर लिया है काम? ओके। हाँ जी बच्चों, XI0A पार्ट। एनी डाउट बचाओ? हाँ बी पार्ट। B का 3। तो इसमें क्या है कि जैसे ए पार्ट है, अच्छा यू मीन थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। तो आप उसमें एरो को देखो ध्यान से, मतलब हम जिस तरीके से रियोस्टैट को चेंज कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? ना बस उसके बेसिस पे। 2 का B, क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर इज द करंट रिड्यूस इन द लूप। तो इसमें हम ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से मान लो फील्ड है ना, और जो लूप है आपका, अच्छा वो इनटू द प्लेन है लूप, और वो ऐसे मूव कर रहा है ना। तो जब तो वो पूरा रीजन के अंदर हो गया तब तो कांस्टेंट फ्लक्स ही होगी, है ना, तब तो कोई करंट नहीं इंड्यूस होगा। और जब पार्शियल होगा तो यस, मतलब डिपेंडिंग अपॉन की एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है उसके हिसाब से फिर फ्लक्स चेंज करेगी। ओह एक मिनट, नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ तो कुछ होएगा ही नहीं ना। गॉट इट बच्चों? कोई क्वेश्चन बच्चों? जैसे सी पार्ट भी मैं दे सकता था, चलो नेवर माइंड। हाँ डन बच्चों, बाकी जो XI1A पार्ट। वरुण आप XI1 का कह रहे हो? अच्छा 8 का आंसर आ रहा है। आ रहा है वरुण, दोबारा देखना।
और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये पार्ट में बी पार्ट, अच्छा बच्चों, ये बी का जो फर्स्ट है ये अभी हमने प्रूफ करना है ना, ये अभी करेंगे। ये जो बच्चों बी का सिक्स है, मतलब ये बच्चों चीज और जगह भी आपने देखी होगी कि मतलब बच्चों ये कैसे डिसाइड करोगे आप, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं बी और डी में, इंस्टेंटेनियस एंड कंटिन्यूअस। तो देखो बच्चों, जो अंदर वाला लूप है, जो लूप बी है, उसमें करंट कब फ्लो करना है, जब उसके थ्रू फ्लक्स चेंज कर रही है। अब फ्लक्स जो चेंज है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए कर रही है? फ्लक्स चेंज तो वो जो छोटा सा ड्यूरेशन है जब आपने की बंद की है, तो जो वो करंट को सेटअप होने में टाइम लगा, फ्लक्स तो सिर्फ वो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए चेंज कर रही है ना, जब तक करंट मान लो 0 से कुछ भी 5 एम्पेयर्स या जो भी सेट हुआ, उतने टाइम के लिए था मोमेंटरली कि फ्लक्स चेंज कर रही है, मतलब करंट बढ़ रहा है, तो बी में इंड्यूस होगा। उसके बाद जब एक बार कांस्टेंट करंट हो गया, फिर तो बी के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, राइट? और कोई क्वेश्चन बचो? डन। ओके। तो ये बच्चों डायरेक्शन सबको समझ आ गई थी? ओके। इसे बच्चों एक आधा पॉइंट हम और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वैसे इट्स ऑब्वियस कि जैसे बच्चों फेज डिफरेंस कितना हुआ, बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ। बोलो बच्चों। फाइव बाय टू हो गया ना? ओके। नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल ट्राई करो एक।
ये एक बच्चों रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये डी विड्थ तक है रीजन, एक लूप इसके अंदर एंटर करने लगा है। ये लूप कांस्टेंट वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है। ये बच्चों जो इंस्टेंट है दिस इज टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब इट इज जस्ट अबाउट टू एंटर द फील्ड। सो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम, एंड हमें एक उन्होंने दे दिया कि एक क्लॉकवाइज ईएमएफ बी पॉजिटिव। और बच्चों ध्यान से, ये
बचाओ तो सो क्लियरली फ्रॉम लेंज लॉ हमें दिख रहा है कि शुरू में जो करंट होगा फील्ड लाइंस अंदर को बढ़ रही हैं उसको अपोज करना है, तो शुरू में एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना? एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो इसमें और जो पहले क्वेश्चन दिया था मैंने जिसमें वेलोसिटी बी थी कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही है। तो ये शुरू में वैल्यू होगी वीबीएल, ये बच्चों किस टाइम तक होएगी? जब तक पूरा लूप एंटर ना कर जाए, है ना, एल बाय वी तक। उसके बाद कितनी देर तक बच्चा जीरो हो जाएगी? एल डी बाय वी टाइम, है ना, डी बाय वी टाइम की क्या सिग्निफिकेंस है? कि तब तक लूप कंप्लीटली अंदर है तो कांस्टेंट फ्लक्स रहेगी, और उसके बाद फिर प्लस सी बी एल हो जाएगी। ये किस टाइम तक होगी? डी प्लस एल बाय। हाँ जी देखो बच्चों, एनी डाउट बचाओ प्लीज आस्क। ओके नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एक कंसेप्ट की नोन एज मोशनल ईएमएफ। तो कंसेप्ट बच्चों वही है, फैराडे वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है। बस होता क्या है कि हम एक्चुअली मतलब जो
फैराडे लॉ की एक्चुअल इक्वेशंस थी, मैथमेटिकल इक्वेशंस, हम उनको नहीं अप्लाई कर पाते बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम बच्चों क्या करते हैं कि हम ये इसके ना अलग अलग केसेस पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ हमने केसेस अभी कर लिए, ये भी कंसेप्ट वही है बट उसको एक बस हम डिफरेंट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल जो मतलब सही मैथ्स है वो उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। तो बच्चों सिचुएशन ये है कि ये बच्चों मान लो एक कंडक्टर है, लेंथ एल का, और ये एक रीजन में मूव कर रहा है हैविंग मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो दिस इज अ पतला सा कंडक्टर ऐसे, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। तो जो आपको ख्याल होगा हमने ऐसे क्वेश्चंस तो कर लिए, मतलब कि अगर मैं इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे एक लूप बना के कंप्लीट कर देता तो उस लूप के अंदर हमने देखा दो केसेस में कि जो ईएमएफ थी वो वीबीएल आ रही थी, राइट। ना बात वही है, बस अब उसको एक अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखो कि जैसे मैंने जो फिगर बनाया है अभी इस फिगर के हिसाब से तो मैं कोई फ्लक्स वगैरह की बात नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ तो कोई लूप ही नहीं बन रहा है ना। तो फील्ड लाइंस बच्चों अंदर की तरफ है, ठीक है। हम बच्चों बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करते हैं। देखो ऑफ कोर्स वी नो कि कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये कंडक्टर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं, राइट। उस कारण से बच्चों चलो पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं। So we know conductor has free electrons. Along with conductors, these electrons also have a velocity v towards right. तो बच्चों एज अ रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर को आ गई, राइट। डाउनवर्ड्स आ गई बच्चों, एज अ रिजल्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स
राइट, जो कि एफ एम से डिनोट कर देता है, और ए फोर स्कोप कितने के बचाओ ईवी भी। तो बच्चों इस फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख देता हूँ, जाएगी माइनस ई वी क्रॉस बी। बच्चों अभी तक सिचुएशन क्लियर है? अब बच्चों क्या होगा कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, और हम कंडक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज आ गया और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया। बच्चों तो थर्ड पॉइंट, तो नेगेटिव चार्ज मूव्स डाउनवर्ड्स एंड पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड एट अब बच्चों क्योंकि ये चार्जेस सेपरेट आउट हो गए, तो इस कारण से क्या बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कंडक्टर के अंदर? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो आपने देखा बच्चों किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ये ख्याल आ रहा है क्वेश्चन कहाँ किया था? कुछ याद आ रहा होगा कहाँ पे किया था ये? मैग्नेटिज्म में था ना वो, एक्सरसाइज 3 में हॉल इफेक्ट, सेम ही चीज थी वो। बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से एक कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था, तो उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। तो ये वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जिसको हमने पढ़ा अलग तरीके से है अभी, बट जो फैराडे ने भी बताई थी। ठीक है, तो हेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
has induced inside the conductor. From positive charge to negative charge. बच्चों मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं जनरलाइज करके कि वेक्टर फॉर्म में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग माइनस वी क्रॉस बी क्यों बच्चों ओके अब बच्चों जैसे जैसे ये चार्जेस सेपरेट आउट होते जा रहे होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी राइट तो एक टाइम बच्चों ऐसा आ जाएगा जब अगर अब हम कोई इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन लें उस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रही है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद अब फर्दर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगी मतलब ये जो है ये एक तरह से स्टेडी स्टेट बन गई है ना कि इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव नहीं करेंगे बच्चों बात समझ आई तो नेक्स्ट पॉइंट इन स्टेडी स्टेट नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो मतलब जो ई है दैट इज इक्वल टू ई वी बी एंड ये तो मैग्नीट्यूड वाइज है और वेक्टोरली इन जनरल अगर मुझे लिखना हो ये ई माइनस वी क्रॉस बी आ गया Thank you.
ठीक है जी। तो बच्चों रॉड का कौन सा पॉइंट अब हायर पोटेंशियल पे हुआ, कौन सा लोअर पे हुआ? मान लो मैं एंड पॉइंट्स को ए एंड बी मार्क कर देता हूँ। हाँ भाई, ऑब्वियसली ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल। राइट, अगेंस्ट द फील्ड पोटेंशियल बढ़ता है। राइट बच्चों, जो डेल्टा वी है माइनस वी बी, वो क्या बन गया? माइनस ई डॉट डीएल है ना, फ्रॉम बी टू ए। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो तो बन गई V क्रॉस B डॉट डीएल है ना। जनरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए बात करें तो E तो कांस्टेंट ही है, V भी, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपली VBL बन गया। तो बच्चों बिल्कुल वही चीज बन गई बट विद अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। और मतलब जैसे फैराडेज लॉ में तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हुआ कैसे, भाई कहाँ से आ गया। यहाँ पे हमें समझ भी आ रहा है ना स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ ये? हाँ वरुण, ओके
मुझे एक सेकंड। भाई अब हमें अच्छा देयरफॉर क्या याद रखना है, मतलब जो कंक्लूजन है इस डिस्कशन का, तो कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ बैटरी ऑफ ईएमएफ इक्वल टू पीबीएल। ठीक है, इस बैटरी की पोलैरिटी का भी हमें ध्यान रखना है। तो कैसे याद रखोगे कि ये जो वी क्रॉस बी है ना, दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एक बच्चे थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एल है, ठीक है, एल को ना हमने ऐसे नहीं याद रखना कि मतलब कि एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ध्यान से समझना बच्चों। इमेजिन की फील्ड लाइंस हैं जो मतलब ऐसे पेज के अंदर जा रही हैं, ठीक है। इमेजिन ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जो इनटू द पेज जा रहे हैं। सो नाउ जस्ट थिंक, ये जो रॉड है वो क्या कर रही है, वो रॉड जब मूव कर रही है तो एक तरीके से वो स्ट्रिंग्स को काटती जा रही है, जो फील्ड लाइन की स्ट्रिंग्स हैं, जो फील्ड लाइंस हैं ये रॉड एक तरह से उनको काट रही है, isn't it? गए बच्चों? तो हमने क्या याद रखना है कि ये जो एल होता है दैट इज द ठीक
इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रीजन हूज फील्ड लाइन्स आर बीइंग कट। ठीक है, एक्चुअली जब हम इसको इस फॉर्म में याद रख लेते हैं ना, तो हमारे को वो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म है v क्रॉस b डॉट dl, इसको अप्लाई ही नहीं करना पड़ता, फिर हमारा हर जगह v bl लगा के ही काम चल जाता। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कि जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक रीजन में, मैं बच्चों चार अलग अलग टाइप्स की रॉड्स बना रहा हूँ। ठीक है, आपने मुझे चारों केसेस में बताना है कि क्या क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। एक तो भाई स्टैंडर्ड केस, लेंथ एल, वेलोसिटी वी। दूसरा केस लेंथ एल बी थीटा, तीसरा केस सेमी सर्कल रेडियस आर, वेलोसिटी वी से जा रहा है। चौथा केस रॉड ऑफ लेंथ एल, इसकी वेलोसिटी भी इस तरीके से। तो बच्चों मुझे चारों केसेस में बताओ ईएमएफ। हाँ बच्चों ठीक है, सबके बाकी लोग भी भेजो फटाफट।
ठीक है अमितोज। दिनेश तो भाई फर्स्ट केस में तो बच्चों क्लियरली लेंथ एल ही कट कर रही है ना, तो फर्स्ट केस का आंसर वी बी एल आ गया। सेकंड केस में इफेक्टिवली कितना लेंथ कट कर रही है? एल साइन थीटा ना, तो सेकंड का आ जाएगा वी बी एल साइन थीटा। ऐसे ही थर्ड केस में कितनी लेंथ कट कर रही है इफेक्टिवली? 2 आर। थर्ड केस का आंसर आ जाएगा बी 2 आर। एंड फोर्थ केस तो नेग्लिजिबल लेंथ है, थिन सी रॉड है, तो फोर्थ केस में आ गया जी। बच्चों अब आपको समझ आ रहा है कितनी यूटिलिटी है उस कंसेप्ट की? एकदम से पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या करना है, अदरवाइज आपको वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लगा के करना पड़ेगा, विच बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जी चलो। हाँ तो बच्चों इमोशनल ईएमएफ पे बेस्ड ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इमोशनल ईएमएफ 11th और 12th दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देता है। जैसे देखते हैं जो फिर से वही सिचुएशन ले रहे हैं हम, जो हमने फर्स्ट क्लास में जैसा एग्जांपल दिया था, समवॉट लाइक दैट। ये बच्चों कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस आर है, और ये हमने एक आर कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इट इज मूविंग विद आवर वेलोसिटी वी पूरे रीजन में। ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, कंडक्टर की लेंथ एल हो गई। बच्चों सबसे पहले तो अब हमें पता है कि जो अबव सिचुएशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब जो जैसे हमने बात की कि भाई हम कंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग करंट वी नो कि नाउ दिस सिचुएशन इज सिंपली इक्विवेलेंट टू। अच्छा बच्चों मुझे बताओ लेंज लॉ से, तो लेंज लॉ से जरूरत ही नहीं थी, सीधा ही इस सिचुएशन में बच्चों कंडक्टर की जो बैटरी बनेगी वो पॉजिटिव टर्मिनल किधर को आएगा?
बच्चों ऊपर की तरफ है ना। इसकी करंट आई इस तरह से फ्लो करेगा। एंड बच्चों आप ये देख सकते हो बात कि लेंज लॉ के हिसाब से भी यही आता। ओके तो भाई अब इस सिचुएशन के हिसाब से देखो बच्चों हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों बताओ सर्किट के अंदर करंट कितना हो गया। सीधा सीधा ही है VBL बाय R है ना। नेक्स्ट बच्चों सो व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर। तो भाई ये क्या होना है आई स्क्वायर आ रही होना है। तो ये बन गया बी स्क्वायर बच्चों आप एक बात देखो जो ओरिजिनल फिगर था उस पे चले जाओ। हमें मतलब पता चल गया कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा ना। तो वो सोचते हुए बच्चों बताओ व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड। ये करंट है जो इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। बच्चों इस पे फोर्स किधर को लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स
ये बच्चों वैसा बन गया ना सिचुएशन, करंट कैरिंग वायर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। तो भाई इस पे फोर्स लगेगी लेफ्टवर्ड, और ये फोर्स हुई कितनी आइडियल, राइट बच्चों? हाँ बच्चों ये सबको क्लियर हुआ? ओके अब बच्चों इस फोर्स की पावर क्या हुई? F dot V, which is F V cos 180 in our case, क्योंकि force and velocity opposite हो गए, तो ये क्या बन गया? Minus V square B square L square by R. Now this is something interesting. देखो जरा सेकेंड और फोर्थ पॉइंट को, क्या लग रहा है बच्चों क्या हो रहा है? आप देखो जितनी रेजिस्टर की पावर आई है एग्जैक्टली उतनी ही माइनस में पावर रॉड की, ये फोर्स की आई है। क्या लग रहा है बच्चों इससे? इससे बच्चों हम क्या कह सकते हैं बेसिकली, नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है कि रॉड की एनर्जी कम हो रही है, वो तो हमें क्लियरली दिख भी रहा है कि रॉड रिटार्ड कर रही है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी रॉड के पास एनर्जी थी and clearly we can see ki that energy is mechanical, that that
इज बीइंग डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी थ्रू रेजिस्टर। इन अदर वर्ड्स बच्चों, इस सर्किट के अंदर जो करंट आया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, ठीक है, जो कि फाइनली हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती जा रही है, वो आई कहाँ से? वो रॉड से ही आई है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना क्या कर रहा है, अगर हम ध्यान से सोचें कि जैसे ही हम रॉड को वेलोसिटी वी देंगे तो इस सर्किट के अंदर करंट सेटअप हो जाएगा, करंट के कारण इस सर्किट से हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और रॉड जो है वो स्लो होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने बेसिकली एक ऐसा सर्किट बना दिया जो रॉड की मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि सारा कुछ एनर्जी के हिसाब से कंसिस्टेंट हो रहा है, कोई एनर्जी वायलेशन नहीं हो रही। हाँ बच्चों बोलो, ये बात क्लियर हो गई? मतलब सीधा सीधा ही ये आ जाएगा कि जितना भी रेजिस्टर के थ्रू हीट लॉस होगा वो सारे का सारा कहाँ से आ रहा है? रॉड की काइनेटिक एनर्जी से ही आ रहा। तो फाइनली रॉड रुक जाएगी और सारी एनर्जी हमारी हीट में डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। बच्चों यहीं से हमें ये पता चलता है कि जो लेंज लॉ ने करंट की डायरेक्शन दी थी वो एनर्जी कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है। सोचो क्यों? बच्चों मान लो फॉर अ मोमेंट कि करंट की डायरेक्शन उल्टी आ जाती, ये एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज आ जाती, तो क्या होता? रॉड पे जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाती, टुवर्ड्स राइट आ जाती, है ना। तो उसका क्या मतलब बन जाता बच्चों? कि भाई एक ऐसा सर्किट बन गया कि जहां पे आपने रॉड को वेलोसिटी v दी और छोड़ दिया, अब आप कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती जा रही है और रॉड की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। मतलब आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है। इज दैट पॉसिबल? इसलिए हमें यहां से पता चल जाता है कि भाई लेंज लॉ के हिसाब से भी जो डायरेक्शन आती है वो इसी तरीके से आती है ताकि एनर्जी कंजर्व। बात क्लियर हो गई बच्चों? देखा आपने कैसे सारा कुछ रिलेट हो गया एकदम से? हाँ बच्चों इन क्वेश्चंस में मतलब
होता क्या है, मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है, बस जो तो कंडक्टर है उसको बैटरी से रिप्लेस कर दो। ये क्वेश्चंस आप समझ रहे हो कि इतने अच्छे क्यों बन जाते हैं, मतलब EMI यूज हो जाता है, कोई ना कोई सर्किट बनता है वहां पे, करंट का कंसेप्ट यूज हो जाता है, ठीक है, फिर फोर्स वगैरह कुछ भी पूछ लिया तो वहां पे मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि रॉड को रिप्लेस कर दो बैटरी से, तो उससे आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया, उससे करंट आ गया, उस करंट से आपके पास फोर्स आ जाती है, उस फोर्स के बेसिस पे आप जो भी मैकेनिक्स है वो अप्लाई कर सकते हो। एक बार बच्चों देख लो ध्यान से, कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। ओके ऑलमोस्ट सिमिलर ही बच्चों, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों ऐसे रॉड स्लाइड कर रही है वायर्स पे, सब कुछ वही, ये वायर्स इंफिनिटी तक जा रही हैं, ठीक है, और आपकी फील्ड भी इंफिनिटी तक वही लेंथ है, फील्ड भी कंडक्टिंग वायर्स। सब कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, रॉड का मास m, बस एक डिफरेंस है कि आपको कह दिया कि रॉड को मैं इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे के छोड़ती हूँ। तो आपको उसके लिए कुछ पार्ट्स सॉल्व करना है। Thank you.
वो साहिल गलत, ध्यान से करो यार। मन की रथ ठीक कर रहा हूँ। हमें तो कुछ कुछ गलती है। दोषी गलत जिनेश गलत है।
विदुषी अभी भी गलत ध्यान से करो यार, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। किरत एक टर्म मिस कर रहे हो भाई आप। करण ठीक है, साहिल अब ठीक है। अनगिरत सारे पार्ट्स नहीं मिसिंग है, कोई टाइम फोर्थ तो खैर गलत है। अर्श एक और पार्ट भी अभी भूल गए वो। जो आंसर्स बता रहा हूँ डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे।
ठीक है बच्चों, ओके देन। अपने होमवर्क में 01 का सीडी और 3A का बच्चों ए बी पार्ट्स कर लेना, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय।